हाय व्यूवर्स, मैं मुनज़्ज़ा, हमारे यूट्यूब चैनल किन सेक्सुअल एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम आपको जो वीडियो बताने जा रहे हैं वो इससे पहले भी हम बना चुके हैं, मगर विदाउट ऑडियो के था। शायद मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ नहीं आया होगा, इसलिए आज हम आवाज़ के साथ आपको बता रहे हैं, देख के क्या है। हमने यहाँ पर हमने एक शीट ली है जिसका नाम हमने होम टैब दिया है, और जनवरी फरवरी बहुत सारी शीट्स है, जून तक सिक्स मंथ के शीट्स लिए हमने सिक्स मंथ तक। और यहाँ पर हमने कुछ नेम्स लिए हैं, जनवरी फरवरी शीट्स के नेम है ये। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है इस शीट्स फाइंड करने के लिए, बहुत से लोगों को शीट्स फाइंड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए आज हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं। जैसे कि जैन, फरवरी, मार्च, ये देखिए हमने सिक्स मंथ की शीट्स लिए हैं। आप सिर्फ एक ही क्लिक पर आप अपनी शीट तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि हम आपको बताते हैं जून पर, जून वाली शीट पर हम पहुंच जाएंगे। जैसे हम जून पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए पहुंच गए। अब बहुत से लोगों की 40-50 तक शीट्स रहती है, अब उन्हें वापस होम टैब पर जाना है तो यहाँ से बटन पर क्लिक करके जाना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर हमने बैक का ऑप्शन भी रखा है। जैसे ही हम बैक पर क्लिक करेंगे हमारी होम टैब वाली शीट पर आ गए। जैसे मैं आपको फेव वाली शीट पर बताती हूँ, इस पर क्लिक किया, ये देखिए हम पहुँच गए। फिर बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, हाँ हमारी होम टैब वाली शीट पर पहुँच गए। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। ये हम एक हमारे शीट पर आ गए हैं वर्कबुक पर। यहाँ पर हमने शीट्स लिए हैं, होम टैब एक शीट को नाम दिया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये हमने शीट्स ले लिए। अब आपको आना है होम टैब में और फिर यहाँ से क्लिक करना है इंसर्ट टैब पर। ये देखिए इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है और फिर यहाँ से आपको शेप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ से राउंड वाला शेप ले लीजिए, ओवल, ये क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पर आप अपना शेप लगा दीजिए, ये देखिए। और फिर इस शेप को अच्छे से फॉर्मेटिंग कर दीजिए, ये देखिए फॉर एग्जांपल आपने कलर ले लिया, और यहाँ पर आप अपना जो भी है टाइप कर दीजिए। यहाँ पर हमने एक शेप ले लिया है, इस पर हम हमारा नाम टाइप, हमारी शीट का नेम टाइप कर देंगे, देखिए ये देखिए। और इसकी अच्छे से फॉर्मेटिंग भी कर दीजिए, आप होम टैब में जाइए, यहाँ से इसका फॉन्ट साइज बड़ा कीजिए और इसे सेंटर में कर लीजिए ये, और फिर यहाँ से राइटिंग भी चेंज कर दीजिए, ये हो गया। और इस वाले शेप को हमने जो लिया है उसे हम, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी सिक्स मंथ की शीट्स हैं तो हम इसे छः मरतबा कॉपी कर लेंगे। सॉरी, हम इस वाले शेप को कॉपी करेंगे और फिर छः मरतबा इसे पेस्ट कर देंगे। देखिए ये हम इसे कॉपी करेंगे, ये कॉपी और फिर यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, ये देखिए ये हमारा पेस्ट हो गया। इसी तरह आप पूरे छः शेप्स पेस्ट कर लीजिए, आपके जितनी शीट है मीन्स, उस तरह आप अपना शेप पेस्ट कर दीजिए। हमने इसको कॉपी कर पेस्ट कर दिया है पूरे शेप्स को, और फिर आप अपने शीट्स पर जो नेम है वो नेम आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। सॉरी, ये मुझसे डिलीट हो गया। यहाँ पर आप जैसे कि हम हमारी शीट, ये फैब वाली शीट है, इसका नेम दे देते हैं यहाँ पे फैब, ये देखिए ये हो गया। सॉरी, ये हो गया, हमने यहाँ पर शीट्स के नेम दे दिए हैं। अब एक शेप को कॉपी करेंगे हम यहाँ से, ये देखिए कॉपी, और फिर जेन वाली शीट पर आकर और यहाँ पर हम प्रेस करेंगे कंट्रोल वी से, हमारा पेस्ट हो जाएगा, ये देखिए ये हमारा पेस्ट हो गया। यहाँ पर आपको यहाँ पर हमें इससे बनाना है हमारा बैक ऑप्शन, बैक वाला बैक बटन बनाना है,
इसीलिए यहाँ पर हम दे देंगे इसे बैक नेम। ये देखिए हमने नेम दे दिया इसे बैक, और फिर यही इसी वाले शेप को कॉपी करेंगे और फिर फैब वाली शीट पर पेस्ट कर देंगे। इसी तरह आप पेस्ट करते जाइए। ये देखिए अप्रैल वाली शीट में, फिर मई वाली शीट में, फिर बचे लास्ट जून। ये हमारे सारे कॉपी हो गए। अब आपको इस सब के नेम भी चेंज करने पड़ेंगे। बैक बटन बनाना है तो इसे नेम भी बैक ही देना पड़ेगा। ये हमने नेम दे दिया बैक। इसी तरह आप सभी शीट्स को अपने नेम दे दीजिए। यहाँ पर हमने हमारे सभी शीट्स को नेम दे दिए हैं। ये शीट के ऑप्शन को, बटन को, बैक वाले को। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर होम टैब में जाने के लिए शेप पर क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पर अपने माउस का राइट बटन पर क्लिक कीजिए। ये देखिए हमने क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा हाइपरलिंक। हाइपर लिंक पर क्लिक कीजिए और फिर यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। इस पर क्लिक कीजिए और ये जो टाइप द सेल रेफरेंस है A1, यानी आप जहाँ जो शीट पर जाएंगे वहाँ पर आपका सेल कहाँ रहना, तो हम इसे A1 ही रहने देंगे। इसका सही यही है। फिर यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है होम टैब वाली शीट। ये देखिए ये, और फिर यहाँ से करना है ओके। इसी तरह ये देखिए एक बार क्लिक करके देखते हैं, ये हम हमारे होम टैब वाली शीट पर पहुँच गए। ये देखिए, और फिर यहाँ से आपको सभी को ऐसे ही करना है। ये देखिए सभी शीट को आपको ऐसे ही पूरा करना है, जितने आपके शीट्स हैं बैक वाले बटन को। हम सभी शीट को होम टैब से इसी तरह लिंक करेंगे। ये देखिए अप्रैल हो गया, मई पर भी ऐसे ही करना है, लिंक करना है हमें होम टैब से। अभी लास्ट बचा जून। ये देखिए हमें इसे भी होम टैब से लिंक करना है। ये हमारा हो गया। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे बैक वाले बटन पर, तो हमारी होम टैब वाली शीट पर पहुंच जाएंगे। देखिए ये हम पहुंच गए हमारी होम टैब वाली शीट पर। ये हम होम टैब वाली शीट पर पहुंच गए हैं। यहाँ से अब ये तो हो गया, हमें हमारे नेम के हिसाब से जो शीट है ना वहाँ पर जाना है, तब उसके लिए भी हमें यहाँ पर हाइपरलिंक लगाना पड़ेगा। ऐसे मैं जैन वाली शीट पर लगाती हूँ। यह हाइपरलिंक पर क्लिक करें, यहाँ पे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, और फिर टाइप द सेल रेफरेंस। अगर आप चाहें तो उसका सेल रेफरेंस कोई और भी दे सकते हैं, मगर हम A1 ही रखेंगे। ये हो गया। इसके बाद हम इसे जैन लिखा हुआ है यहाँ पर शेप पर हमारा नाम, और फिर यहाँ पर आप शीट भी जैन वाली ही सिलेक्ट कीजिए आपका जो नेम है शीट का, और यहाँ से प्रेस कीजिए ओके। जैसे हम इस और फिर फैब वाली शीट को भी आपको ऐसे ही करना है। ये फैब वाली शीट पर दे दिए ओके। ये ऐसे ही आप सभी शीट्स को लिंक करते चले जाइए। हमने हमारी सारी शीट्स को लिंक कर दिया है। जैसे हम आपको एक बता देते हैं, जैसे मैं फैब पर क्लिक करती हूँ, देखिए हम हमारी फैब वाली शीट पर आ चुके हैं। अब हम बैक वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो हम हमारी होम टैब वाली शीट पर चले जाएंगे, पहुँच जाएंगे। ये देखिए अब हम जून पर क्लिक करते हैं। ये देखिए हम जून वाली शीट पर चले गए। फिर बैक बटन पर प्रेस किया, हम आ गए। फिर अब मार्च पर क्लिक करेंगे, हम मार्च वाली शीट पर भी आ गए। ये हो गया। हम फिर बैक वाले बटन पर क्लिक करते हैं। अभी आपकी होम टैब वाली शीट अच्छी नहीं लग रही, इसीलिए हम इसकी गाइडलाइन और हेडिंग्स हाइड कर देते हैं। अब इस हाइड करने के लिए व्यू वाले टैब में जाइए और यहाँ से कीजिए हेडलाइंस और फिर यहाँ पर गाइडलाइन पर। ये देखिए हमारे हो गए ये। और फिर जैसे ही हम कोई भी आपकी जो शीट पर क्लिक करेंगे वहाँ पर पहुँच जाएंगे। है ना ये आसान तरीका। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर भेजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।